नमस्ते इंडिया न्यूज का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी भी हमारी मौजूदगी चंदौली के मंडी समिति में है। अगर बात करें चंदौली की तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा धान की पैदावार यहाँ होती है और धान की उसी हिसाब से खरीद भी यहाँ पे होती है और धान के किसान उसी हिसाब से धान भी बेचते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतें भी होती हैं। अभी तो शुरुआत है लेकिन बीच के दिनों में दिक्कतें होती है, मारामारी होती है टोकन को लेके और धान की बिक्री को लेके। इसको स्मूथ बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है और अभी कुछ किसानों ने धान बेच भी दिया। इनसे बात करते हैं और क्या सुविधा इनको मिल रही है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय जी, आपने धान बेच दिया? बेच दिया है। 21 तारीख को बेचा? 21 तारीख को बेचा। पैसा का क्या है? पैसा का तो अभी उसका नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, भुगतान की बात हुआ क्योंकि एक पेमेंट था इसलिए हो सकता है दो चार लोग का इकट्ठे हो जाए। 72 घंटे के अंदर पेमेंट की भी बात है। हाँ लेकिन सर वो जो है दो तीन लोग चार लोग हो जाए तब पेमेंट होगा, एक लोगों का पेमेंट नहीं होगा और पूरा उसमें खरीद भी नहीं हुआ है कागज की। अच्छा, पूरा नहीं हुआ। हाँ होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि खरीदारी तो हो रही है, उसको पेमेंट भी करना है। लेकिन अगर चंदौली की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा लेट किस्म की वैरायटीज़ जो होती है धान की, नाटी मंसूरी जो होता है उसकी ज़्यादातर खेती होती है जो लेट होती है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे लेट है, बाकी जिलों में खरीदारी हो रही है, आराम से हो रही है। तो ये बताइए क्या निर्धारित किया गया है, कितना देना है? क्विंटल 20 क्विंटल प्रति एकड़ देना है। प्रति एकड़ देना है तो आराम से हो रहा है। अभी तो आराम रखा है। बताइए पैदावार कैसी है? पैदावार तो अच्छी है लेकिन लेट है, थोड़ा लेट है। मौसम जो बारिश लेट हुआ है, बारिश पता नहीं क्या है मौसम का कि लेट तो है, लेट 10-15 दिन लेट है। 10-15 दिन लेट है। और भी किसान बात करते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? पीयूष सिंह। पीयूष जी, आप धान लेके आए हैं? कितना क्विंटल लाए हो? लगभग अभी 150 क्विंटल। 150 क्विंटल धान, एक तिहाई भी नहीं है हमारे धान का। अच्छा, तो अभी मतलब आज से आना स्टार्ट हुआ है और उसके बाद देखिए आगे क्या व्यवस्था बनती है। कितना स्मूथ प्रोसेस हो गया है अब धान खरीद का? देखिए बात तो स्मूथ जो है ठीक है, अब स्मूथ तो है प्रोसेस, लेकिन जब यहाँ पे सभी लोग तो उसमें बड़े किसानों को भी दिक्कतें आती हैं और छोटे किसानों को भी दिक्कतें आती हैं। जब ये लोग टोकन सिस्टम लागू करते हैं और ये जो नंबरिंग सिस्टम जब हो जाता है तो उसमें ऐसा होता है कि नंबर में कोई मतलब जो नंबर फर्स्ट है उसका धान रेडी नहीं है तो अब उनको डिले कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से ये सारी समस्याएं बाद के किसानों को झेलनी पड़ती हैं। तो देखिए अब उसके बारे में क्या मंडी समिति के लोग अपना और बाकी तरह के क्या व्यवस्था करते हैं आगे देखने वाली चीज़ है। और भी किसान बात करते हैं भाई, सब क्या धान आ गया आपके? अभी लाएंगे। कितना धान होगा? 400 क्विंटल। 400 क्विंटल के आपको जो प्रोसेस है वो कितना स्मूथ है? अगर हम धान की बात करें तो देखिए ए ग्रेड धान जो है वो 2203 रुपये प्रति क्विंटल है और 2183 रुपये में यहाँ पे नाटी मजदूरी जो होता है, ये रेट ठीक है? रेट तो ठीक नहीं है लेकिन यहाँ बताया जो है वो सही है। मतलब बिचौलिया या फिर प्राइवेट को देते हैं? बिचौलिया प्राइवेट नहीं, उसकी तुलना में तो बढ़िया है। बढ़िया, उसकी तुलना में बढ़िया बढ़िया। आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पे बेच पा रहे हैं? बेच पा रहे हैं। अभी हमने किसानों से बात किया, इनका कहना है कि जो चीज़ें स्मूथ है इसको स्ट्रीमलाइन करने जाने की ज़रूरत है जब भीड़ बढ़ेगी तब, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो बहुत सारे लोग किसान जो है मंडी में धान लाते हैं। आप पीछे कर दिखाइए, अगर देखिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत ये धान जो है इसकी डस्टिंग की जा रही है, मतलब जो धूल हो या फिर जो धान ऐसे हो जिनका पहिया इसको हटाते हैं किसी मतलब एक साफ सफाई होती है, प्रॉपर जो है वो खरीदारी होती है। इससे बात करते हैं, क्या नाम है ये जो धान लेबर है यहाँ काम कर रहे, क्या नाम है? रोजगार मिल रहा है? हाँ, 3 महीने तक चलेगा? 3 महीना आराम से? आराम से 2.5 महीने तक चलता है और फिर गेहूँ में भी चलता है? हाँ, तो काम हो जा रहा है साल का? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रोजगार भी लोगों को मिलता है, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, चाहे आउटसोर्सिंग से आए हैं, जो पल्लेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक प्रोसेस भी हमने आपको समझाने की कोशिश की, देखिए डस्टिंग हो रही है, डस्टिंग के बाद यहाँ पे वेट किया जा रहा है और इसके बाद इसको यहाँ पे जो भी समितियाँ हैं, चाहे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, FCI हो, मार्केटिंग हो, तमाम मंडी समिति हो, UPSSL, तमाम तरीके की जो समितियाँ वो धान खरीद करती हैं
और आराम पेमेंट होता है हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत तब होती है जब बहुतायत मात्रा में यहाँ पे धान आते हैं, उसके लिए टोकन सिस्टम है और साथ ही साथ धान की नमी की जांच कराने की भी बात की जाती है। 17 पॉइंट तक नमी होनी चाहिए और जो मात्रा है क्विंटल की वो जैसा कि किसानों ने बताया कि एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल धान दे सकते हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी।